लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज के समय में हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फैक्ट्री की ज़रूरत है, और वो है ऑडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे किसी भी क्लासरूम में बात कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हर एक क्लास में एक साथ आप कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरा वीडियो। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरा पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम के प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों पहले हफ्ते में कनेक्शन का तरीका हमने आपको बता दिया था, अब हम इस सेटअप को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमें पावर लगा देते हैं। पहले हम पावर लगाने का पीछे बटन दिया रहता है जो पावर ऑन ऑफ का, उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहले तो हम सबको चेक कर लेंगे कि मेरे सारे स्पीकर प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हमें माइक लगाना पड़ेगा। इसमें अगर हमें अनाउंसमेंट के किसी भी स्कूल में अगर हमें अनाउंसमेंट करनी है, पूरे स्कूल में एक साथ अनाउंसमेंट करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑल बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल बटन दबा के इसके बाद फिर हम टॉक पे दबाएंगे, फिर हम स्पीक माइक में कुछ भी बोल सकते हैं तो वो सारे क्लासेस में अनाउंस होगी। माइक में बोलते समय सारे क्लासेस में वो अनाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों पर्टिकुलर किसी एक क्लास में अगर हमें केवल कुछ अनाउंस करना है, किसी एक क्लास के लिए अनाउंस करना है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि सारे स्पीकर्स के बगल में एक कोड होता है जिसको पार्ट आईडी कहते हैं। सारे स्पीकर्स के बगल में एक कोड लिखा होता है, स्टिक होता है, जिसमें पार्ट आईडी, जैसे इस स्पीकर का मेरा पार्ट आईडी है 23, इस स्पीकर की पार्ट आईडी है 22, तो वो सारे क्लासेस के हमें पार्ट आईडी याद रखनी पड़ेगी कि क्या पार्ट आईडी है। इसके बाद हमें अगर 23 नंबर क्लास जहाँ पे जिस क्लास में 23 नंबर का लगा होगा, हमें अगर हमें 23 यानी कि क्लास वन में सपोज मैंने 23 नंबर का स्पीकर लगा दिया, तो हमें क्लास वन में अनाउंसमेंट करना है, तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें अपने कीबोर्ड से 23 नंबर टाइप करना है। 23 तरीके से टाइप हो जाएगा। इसके बाद एंटर बटन दबा के फिर टॉप पे दबाना है। हेलो, इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे एक ही स्पीकर में आवाज़ आ रही है, दोनों में नहीं आ रही है, क्योंकि हमने एक ही का कोड डाला है। इस तरीके से हम इसके में भी हमें वो करना है, जिस भी क्लास में हमें करना है उस क्लास में हम अनाउंस कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इसकी कॉल बेल, डिजिटल बेल, हर एक सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद जो बेल बजती है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग कैसे करें। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने इंस्टीट्यूट के जो भी अध्यापक हैं या प्रिंसिपल मौजूद हैं उनसे हमें अपना उनसे टाइम टेबल उनकी लेनी है कि कितने बजे से कितने बजे कौन सी क्लास है। उस टाइम टेबल के मुताबिक हमें फीडिंग करनी रहती है। फीडिंग करने के लिए हमें पहले सबसे पहले प्रोग्रामिंग बटन में जाना होता है। सबसे पहले तो हम टाइम देख लेते हैं, 14:30 हो रहा है, तो 2:30 से बज रहा है, तो हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए हमने प्रोग्राम बटन को दबाया, उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, बेल शेड्यूल में आ जाते हैं, उस पर एंटर कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम न्यू शेड्यूल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि टोटल बेल कितनी है दिन भर में, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट या 10-12 घंटी बजती है जिस हिसाब से, तो अभी हम मान लेते हैं कि दिन भर में मेरी 5 घंटी बज रही है, हमने 5 एंटर कर दिया। इसके बाद फिर हमें इसकी टाइमिंग डालनी है, पहले नंबर की बेल कितने बजे बजेगी, तो पहले नंबर की बेल 12:36 तो पहले नंबर की बेल हमारी
14 उसके बाद फिर हमने एंटर कर दिया। उसके बाद फिर हमने कर दिया 35 मिनट कर दिया, हर एक पांच मिनट में हम कर रहे हैं। इसी तरीके से सबकी हमें एंट्री करनी है। एंट्री जब सबकी हो जा रही है तो हम आउट हो जाएंगे। इस तरीके से जब हम इसकी प्रोग्रामिंग कर देंगे तो अब बेल नंबर वन, पीरियड नंबर वन की मेरी घंटी बजने वाली है। अभी मेरा इस मशीन के मुताबिक मेरा 2:34 हो रहा है और मेरी जो घंटी बजने वाली है 2:35 हो रहा है। This is period number 14. इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इसमें ऑलरेडी 53 तरह के ऑडियो रिकॉर्डेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा अपने तरफ से ऑडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आगे मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें मेमोरी कार्ड लगा के आप अपनी तरफ से ऑडियो अलग से डाल भी सकते हैं। इसमें और भी कई तरह के प्रोग्रामिंग है, उसकी डिटेल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।